Hello friends, welcome on Vocab Bazaar. I have created this channel for all those students who are just preparing for the competitive exams, and secondly for those peoples who want to develop their personality and who want to speak so well, so fluent in English, but because of some reasons they are not able to utter the word properly, they are not able to spell the proper pronunciation of the words given. So basically here I'm just going to help you with all sort of these things. My name is Jayavardhan Tiwari, and I'm the owner of the channel. So now let's start from my qualification. I have done B.Ed, and I have also qualified the Central Teachers Eligibility Test, that is we call CTET, and also State Eligibility Teachers Test, that is the TED, Teachers Eligibility Test, and I'm just preparing for the Kendriya Vidyalaya Sankathan. Actually, the very big mistake are all the teachers are doing these days, and they have also previously done. गलती क्या करते हैं basically? जब भी टीचर सबसे पहले क्लास में आता है, स्पेशली इन इंग्लिश के पीरियड में, सबसे पहले वो बोर्ड के ऊपर लिखता है बड़ा सा, क्या लिखता है, सब्जेक्ट इंग्लिश, ठीक है. बट प्रॉब्लम क्या है कि वहां पे उसने लिखा सब्जेक्ट इंग्लिश, बट दिस इज द ब्लंडर. एक होता है मिस्टेक, सेकेंड इज ब्लंडर, मतलब पाप हो गया. सो बेसिकली दैट इज ब्लंडर. ब्लंडर क्यों है, उसने लिखा सब्जेक्ट इंग्लिश. हमें एक चीज जानना होना जरूरी है इस जगह पे. अब आप यू आर कैपेबल टू डिसाइड द थिंग्स ऑफ योर ओन लाइफ. बेसिकली इंग्लिश एक सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है. इंग्लिश इज नॉट अ सब्जेक्ट, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज. इंग्लिश क्या है, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज. अब सब्जेक्ट और लैंग्वेज तो बोथ आर डिफरेंट. इट्स लाइक इफ यू आर टॉकिंग अबाउट लेट्स से साइंस, साइंस इज सब्जेक्ट, ठीक है. You're talking about maths. Maths is subject. Physics is subject. Chemistry is subject. English is not a subject. English is a language. English is a language. When I'm saying that English is a language, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब भी आप English पढ़ते हैं, ठीक है? So एक जो language होता है, subject को आप सिर्फ पढ़ते हैं. Language क्या होता है? Language आपकी पूरी body में आती है. जैसे आपने कहा कि the way you talk. जिस लहजे में आप बात करते हैं, वो बात करने का लहजा, जिस लहजे में आप बैठते हैं, उठते हैं, कहीं जाते हैं, आपके हाव भाव, दैट इज योर हैंड्स, जेस्टर्स, दिस ऑल थिंग्स कवर अंडर द लैंग्वेज. ये सारी चीजें लैंग्वेज में आती है. भाई हिंदी लैंग्वेज है हमारी मात्र, हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है. सो बेसिकली उसमें भी क्या आती है, हिंदी में हम कैसे बैठते हैं, बात करते हैं, अपने दोस्तों से कैसे बात करते हैं, सारी चीजें हिंदी में आती है क्योंकि वो लैंग्वेज है. सो बेसिकली अभी तक हम अपनी अप्रोच को गलत लेके चल रहे थे, अभी तक हम अपनी अप्रोच को गलत लेके चल रहे थे. इस वजह से हमें हर्डल्स हो रही थी, इस वजह से हमें प्रॉब्लम्स हो रही थी इंग्लिश को सीखने में. नाउ दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस, एंड वन थिंग आई वांट टू टेल यू कि ऐसा नहीं है कि आई हैव जस्ट क्रिएटेड दिस चैनल. मैंने बहुत सोचा इस बारे में कि व्हाट आई शुड डू, बट व्हाट आई एम गोइंग टू डू विद द चैनल, क्या मैं करने वाला हूँ, और बेसिकली हाउ कैन आई असिस्ट यू, मैं आपको कैसे हेल्प कर सकता हूँ. सो बेसिकली आई एम ऑल्सो फ्रॉम द यूपी बोर्ड. आप लोग ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि नहीं मैं आईसीएससी या सीबीएसई बोर्ड से हूँ इसलिए मैं ठीक ठाक बोल रहा हूँ, या फिर मैं यहाँ पे इंग्लिश पढ़ाने के लिए आया हूँ तो बिकॉज एक अच्छा सा बोर्ड है इंग्लिश मीडियम से पहले पढ़ा. इट्स नॉट लाइक दैट. हम भी सरस्वती एसपी में पढ़े हुए हैं और यूपी बोर्ड से हैं, ठीक है. बट एक पहले से इंटरेस्ट था सब्जेक्ट में और समझने की जरूरत थी. क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्ट नहीं है, मैं बोल दिया दिस इज अ लैंग्वेज. सो मैंने बचपन से ही अपना था कि इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज लेके मैं चला, और अभी भी एज अ लैंग्वेज मैं लेता हूँ और मैं खुद पढ़ाता हूँ एज अ टीचर. आई एम एम्प्लॉयड एज अ टीचर. सो बेसिकली मैं अपने स्टूडेंट्स को खुद ऐसे पढ़ाता हूँ. अब प्रॉब्लम क्या होती है, आप जिस तरह से इसको कंसीडर कर रहे हैं, जिस तरह से इसको लेके चल रहे हैं, इसी वजह से आपको सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं. देखिए होता क्या है, जो कोई भी अगर छोटा एक स्टूडेंट है तो वो स्टूडेंट क्लास 1 से लेके 12 तक इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ता है, ठीक है.
उस 1 से लेकर 12 तक उसने इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ा, पर उसको तब भी इंग्लिश सब्जेक्ट समझ में नहीं आया। फिर उसके बाद 12th में आके वो कंपटीशन की तैयारी करने लगता है, फिर उसके बाद कंपटीशन में कोचिंग ज्वाइन करता है, वहां पे भी इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ता है, लैंग्वेज नहीं पढ़ी उसने, सब्जेक्ट पढ़ता, क्योंकि उसकी अप्रोच क्या थी पहले से ही लैंग्वेज, उसकी अप्रोच ही गलत है। तो अब उसने सब्जेक्ट लैंग्वेज सब्जेक्ट ले लिया, अब वो कोचिंग इंग्लिश की ज्वाइन कर ली, अब उसका रिटर्न क्लियर हो गया। अब प्रॉब्लम क्या आई, इंटरव्यू। इंटरव्यू में भी क्या चाहिए, इंग्लिश चाहिए, स्पीकिंग चाहिए। फिर वो जाता है कहां पर, एक इंस्टीट्यूट में जाता है, वहां पे उसने स्पीकिंग थोड़ी बहुत सीखता है, कुछ कुछ पर्सनालिटी डेवलपमेंट की चीजें सीखता है, वहां पे भी हजारों रुपए खर्च करता है। बट उसके बाद थोड़ी बहुत आ जाती है उसे, और उसके बाद उसका सिलेक्शन हो जाता है। उसके बाद भी, नाउ दिस इज द थिंग, उसके बाद भी वो प्रॉपर इंग्लिश नहीं बोल पाता है। 12 साल वो पढ़े, उसके बाद उसने क्या किया, कोचिंग ज्वाइन किया रिटर्न के लिए, उसके बाद इंटरव्यू ज्वाइन किया, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स ज्वाइन किया, इंटरपर्सनल स्किल्स को बढ़ाया उसने, पर फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। क्यों, क्लास 1 से 12 तक की अप्रोच गलत थी, इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट लिया उसने, जब उसने कोचिंग में एडमिशन लिया तब भी इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट लिया, और जब उसने स्पीकिंग में गया तभी वो सोच रहा था कि इंग्लिश क्या है, इट इज अ सब्जेक्ट। अगर आप इंग्लिश को एज ए सब्जेक्ट लेके चलेंगे, इट विल बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड फॉर यू टू डील विद दिस लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश इज नॉट अ सब्जेक्ट। सो प्लीज, दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, प्लीज नेवर कंसिडर इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट, बिकॉज इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। नाउ लेट्स सेकेंड थिंग, टॉक अबाउट द स्टूडेंट्स। बेसिकली किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में 65-70% क्वेश्चन इज फ्रॉम द वोकैब सेक्शन, मीन्स your antonyms, your synonyms, your direct and indirect narrations, voice. So basically aggregate aap jab karoge, so approximately 65-70% questions is from the vocab section only, means sirf usme vocab aati hai. So basically agar aapka vocab section strong hai, if you have a good vocab section, means sorry, you can easily complete approximately 60-75% questions, you can got easily 60-75% marks, and that is a very good thing actually. So basically हमें अपनी अप्रोच सही करनी है और फिर हम 60-75% questions को easily solve कर सकते हैं। Now अब मैंने बोला कि English is a language, ठीक है, so English language के 3 parts होते हैं, कितने parts, 3 parts, first is your vocab section, okay, जो हम यहां पर सीखेंगे, सेकेंड थिंग योर ग्रामर सेक्शन, ओके, एंड थर्ड थिंग योर इंटरपर्सनल स्किल्स और योर स्पीकिंग स्किल्स। नाउ सो बेसिकली वोकैब सेक्शन सीखने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि वोकैब सेक्शन हो, ग्रामर सेक्शन हो या इंटरपर्सनल स्किल्स हो, ठीक है, हर सेक्शन के लिए सीख तो हम ही रहे हैं, हमें रोट लर्निंग को अवॉइड करना है, रट्टाफिकेशन विधि को हमें यूज नहीं करना है। होता क्या है, कोचिंग्स में हम लोग जाते हैं, एक लंबी सी शीट मिलती है, उसमें 2000 वर्ड्स 3000 वर्ड की पैम्पलेट होती है, टीचर बोलता है इसे याद करके ले आओ, बच्चा पूरी कोचिंग खत्म हो जाती है, उसे उसमें से हार्डली 100 वर्ड्स ध्यान होते हैं, और वो भी वो ऐसे याद कर रहा है जैसे उसे मार मार के याद कराया जा रहा है, ठीक है। सो बेसिकली क्यों, क्योंकि हमारा दिमाग रोट लर्निंग के लिए नहीं बना हुआ है। अब सबसे पहले समझते हैं कि हम वर्ड्स को याद कैसे करते हैं, हम वर्ड्स को समझते कैसे हैं बेसिकली। सो हम वर्ड्स को कैसे समझते हैं, बेसिकली होता क्या है, हमारे जो हमारा दिमाग है, ठीक है, सो बेसिकली वो इंफॉर्मेशन को कैसे स्टोर करता है इसे पहले समझते हैं। हम जब भी सिंपल, अगर आप एक पैम्पलेट लेके वहां से वो कैप्स याद कर रहे हो, सो बेसिकली क्या होगा, वो पैम्पलेट में जो वर्ड्स है वो इन्फॉर्मेशन है, और आपने इन्फॉर्मेशन को डायरेक्टली अपने माइंड में स्टोर कर लिया, दिस इज अ प्रॉब्लम, दिस इज अ बैरियर। क्यों, हमारा दिमाग ऐसे काम नहीं करता, समझते हैं इसको, हमारा दिमाग जब हम लोग डायरेक्टली वर्ड को स्टोर कर लेते हैं अपने दिमाग में, समझते हैं, पढ़ते हैं, रटते हैं, तो वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन जाती है और वो बहुत शॉर्ट टर्म होती है, इसलिए हम उसे भूल जाते हैं वर्ड्स को। तो मैं आपको क्या बताने वाला हूं, आप मेरे साथ क्या सीखेंगे यहां पे, कि वो जो शॉर्ट टर्म
इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में गई है, मैं जो शॉर्ट टर्म वर्ड्स आपने याद किए, वो कैप्स याद किए हैं, उसे मैं लॉन्ग टर्म में कैसे कन्वर्ट करूंगा, दैट इज अ गुड थिंग। सो बेसिकली दैट इज व्हाट आई एम, दैट्स व्हाई आई एम हियर, दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू। होता क्या है बेसिकली, सपोज यू हैव एन इन्फॉर्मेशन, आपके पास एक इन्फॉर्मेशन है, सो दिस इन्फॉर्मेशन, व्हेन दिस इन्फॉर्मेशन इज कनेक्टेड विद द इमोशन, मीन्स इन्फॉर्मेशन प्लस इमोशन इज बिकम अ लॉन्ग टर्म मेमोरी। ओके, फिर से समझते हैं, इन्फॉर्मेशन प्लस इमोशंस बिकम अ लॉन्ग टर्म मेमोरी। इसका मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं। हम जैसे सपोज आप कहीं किसी शहर में गए और वहां पे आपको एक फ्रेंड मिला आपका, बट यू डोंट नो व्हाट हिज नेम, आप उसका नाम नहीं जानते हैं, ठीक है। सो बेसिकली जब आप उससे मिलेंगे तो आप क्या कहेंगे उससे, आपको कहीं देखा है, ये कहेंगे आपका नाम क्या है। आप ये कभी नहीं पूछते जब भी आप किसी से मिलते हैं, और शायद आप पहले उससे मिल चुके हैं, तो आप ये डायरेक्टली उससे नहीं पूछते क्या कि आपका नाम क्या है। आप ये पूछते हैं, आपको कहीं भाई साहब देखा है हमने, बट मुझे याद नहीं आ रहा कहां पे देखा है, ठीक है। सो वो बंदा फिर बताएगा कि आपने मुझे वहां देखा है, ठीक है, आपने मुझे वहां देखा है। फिर आपने, अच्छा आपका नाम ये है। सो बेसिकली आपको जानना क्या था, उस पर्सन का नाम, आपने उससे नाम नहीं पूछा, आपने पूछा कि आपको कहां देखा है। सो बेसिकली आप उससे, आपके पास आपको चाहिए थी इन्फॉर्मेशन, पर आपने उससे इन्फॉर्मेशन नहीं पूछी, इन्फॉर्मेशन क्या था, उसका नाम, आपने उससे उसका नाम नहीं पूछा, आपने पूछा कि किस प्लेस पे वो, मैंने उसे देखा है, वो क्या था, वो था इमोशन। भाई वो आपका फ्रेंड था, वो आपसे इमोशनली अटैच था, तो आपने सबसे पहले उस प्लेस के बारे में जानना चाहा कि उस किस प्लेस पे देखा है। तो अगर मुझे इमोशंस मिल गया तो इन्फॉर्मेशन से मैं कनेक्ट कर लूंगा और वो मेरी लॉन्ग टर्म मेमोरी में वापस आ जाएगा और मैं इस तरह से याद कर लूंगा। सो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट होता है ह्यूमन मेमोरी का, कि कैसे हम लोग चीजों रिटेन करते हैं फॉर अ लॉन्ग टर्म पीरियड। और इसी तरह से मैं यहाँ पे आपको वो कैप्स सिखाऊंगा। आपको वो कैप्स लर्न करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, सिर्फ आप मेरी वीडियोस देख लें, किस मैं मेरी बातें सुन लें, मेरे एल्गोरिदम, मेरे निमोनिक्स देख लें, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। और जितना मैं बता दूंगा आपको, उससे ज्यादा एग्जाम में नहीं आता है, ठीक है। और मेरी जो ये वीडियोस होंगी, ये ना सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए होंगी बल्कि प्रोफेशनल्स के लिए भी होंगी, और जो भी पर्सन्स हैं वो प्रिपेयर कर रहे हैं और इंग्लिश स्पीकिंग सीखना चाहते हैं, अच्छे से स्पीकिंग बोलना चाहते हैं, ठीक है। सो उन सभी लोगों के लिए होगी, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कैसे करना है, अच्छा इंटरप्रिटेशन कैसा होना चाहिए आपका, तो ये सारी चीजें, प्रोनंसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग हमेशा गलत प्रोनंस करते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, बोलते हैं डायरेक्ट, इट्स नॉट डायरेक्ट, इट्स डायरेक्ट। वी से दैट एंटोनिम सिनोनिम नहीं है, इट्स एंटोनिम एंड सिनोनिम्स, ठीक है। सो बेसिकली एजुकेशन, इट्स एडुकेशन, ओके। प्रोनाउंसिएशन, प्रोनंसिएशन, दिस इज द करेक्ट, प्रोनंसिएशन। सो इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स हैं जो मैं आपको यहां पर सिखाऊंगा कि कैसे वर्ड्स का प्रॉपर स्पीकिंग, उनकी क्या, उनका क्या प्रोनंसिएशन होना चाहिए, किस कॉन्टेक्स्ट में क्या वर्ड यूज करते हैं, क्या कनोटेशन होना चाहिए। आप यकीन मानिए 100 से, मतलब इतनी सारी मैं तरीके बताऊंगा आपको कि वर्ड्स लर्न करना बिल्कुल आपके लिए एकदम, इट बी लाइक अ केक फॉर यू, ठीक है। फिर बात करते हैं थोड़ा सा कि अब वोकैब मैं सिखाऊंगा आपको। सो वोकैब बेसिकली क्या मेथड होंगे मेरे सिखाने के, वोकैब। सो बेसिकली वोकैब में 4 मेथड होते हैं। फर्स्ट वर्ड वी कॉल्ड द रूट मेथड, यू आर वेरी मच फेमिलियर विद द वर्ड रूट मेथड, जो रूट मेथड होता है। सेकंड होता है बेसिकली हमारा क्या, सेकंड हमारा होता है लैडर मेथड। लैडर क्या होता है, देखो तो लैडर हम लोग कहते हैं हिंदी में, कहते हैं लैडर को सीढ़ी, लैडर को क्या कहते हैं, सीढ़ी। जैसे मैंने सपोज कह दिया क्या, मैंने कह दिया कि मैंने 5 वर्ड्स लिख दिए और एक ब्रैकेट बना के लिख दिया कि इन सारे वर्ड्स का मतलब एक है, यानी कि वो जो वर्ड्स हैं वो लैडर में लिखे हैं, एक के नीचे एक, एक सीढ़ी के तरह लिखे हैं, सो उन सबका मीनिंग जो है वो एक है, तो वो हो गया लैडर मेथड।
रूट मेथड क्या होता है, पहला वाला मेथड जो बताया मैंने, एक पर्टिकुलर रूट ले लिया मैंने, जिसे मैंने ले लिया एमी, ठीक है, या फिर मैंने ले लिया पेडा, तो बेसिकली पेडा में चाइल्ड होता है, ठीक है ना, इन्फेंट में चाइल्ड होता है, तो उससे कई सारी मैं वर्ड्स निकाल सकता हूँ, तो वो रूट मेथड हो गया। फिर उसके बाद लैडर मेथड, लैडर मेथड जैसे मैंने बोल दिया, लैडर मेथड में एक एग्जांपल के लिए जैसे मैंने कहा कि गिव अप कर देना, ठीक है ना, तो गिव अप, अबंडेंट, अपडिकेट, रिलिंक्विश, रिनाउंस, किक, तो इन सब का मतलब होता है छोड़ना, त्याग देना, तो मैंने लैडर में लिख दिया छोड़ना त्याग देना, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं थर्ड मेथड, थर्ड मेथड इट्स योर निमोनिक मेथड। व्हाट इज निमोनिक मेथड? निमोनिक मेथड मीन्स एक नॉनसेंस लेबल बना के, एक नॉनसेंस लेबल बना के मैंने आपको वो वर्ड समझा दिया, आपको वर्ड समझना था, मैंने एक कुछ स्टोरी बना के कुछ उसको रिलेट करके वो वर्ड बता दिया, दैट इज कॉल्ड निमोनिक। निमोनिक मीन्स नॉनसेंस सिलेबल। एंड आफ्टर दैट द फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, फोर्थ वन, व्हिच इज द फोर्थ वन दैट आई कॉल्ड इज, दिस इज माय वेरी फेवरेट वन, इज टोन ऑफ वर्ड्स। अब टोन ऑफ वर्ड्स क्या होता है, जैसे आपने कोई वर्ड बोला, प्रोनाउंस किया, या फिर आपका क्वेश्चन आया एग्जाम में, वहां पे लिखा हुआ है कोई ऊपर वर्ड लिखा हुआ है, सो बेसिकली आपको उस वर्ड को पढ़ना है, और उस वर्ड को पढ़ने के बाद आपको देखना है कि वर्ड की टोन क्या है। अब टोन कैसी होती है, टोन होता क्या है, टोन दो तरह के हो सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल द पॉजिटिव टोन, सेकेंड इज नेगेटिव टोन, पॉजिटिव नेगेटिव। सो पॉजिटिव और नेगेटिव, जैसे पॉजिटिव टोन के एग्जाम्पल्स कुछ लेते हैं, जैसे मैंने कहा कि पॉजिटिव टोन के लिए कॉन्जेंशियल, एफिनिटी, एमिकेबल, एमिएबल, सो ये वर्ड सुनते ही लग रहा है कि हाँ ये कुछ ओके टाइप के हैं, पॉजिटिव वाले वर्ड्स लग रहे हैं, एमिकेबल, एफिनिटी, ओके, कॉन्जेंशियल, सेलिब्रियस, तो ये वर्ड मीठे वर्ड हैं, मीठे मीन्स पॉजिटिव टोन्स में है थोड़ा सा। अब नेगेटिव टोन की वर्ड्स की बात कर लेते हैं, नेगेटिव टोन की वर्ड जैसे मैंने कहा क्या, फ्यूरियस, हॉस्टाइल, डेट्रीमेंटल, सो बेसिकली ये वर्ड्स ऐसे वर्ड्स हैं जिसको आपको सुन के ये लग रहा है कि थोड़े से ये हार्ड वर्ड्स हैं, ठीक है, डेट्रीमेंटल, हॉस्टाइल, ठीक है, एंड फ्यूरियस या फ्यूरी, तो ये बेसिकली नेगेटिव टोन के वर्ड्स हैं। सो बेसिकली अगर आपको उन चार ऑप्शंस जो दिए गए हैं, उन चारों ऑप्शंस में से आपको नहीं समझ में आ रहा है कि विच ऑप्शन शुड आई सेलेक्ट, सो बेसिकली यू कैन गो विद दिस मेथड विद दैट वी कॉल्ड द टोन ऑफ वर्ड्स। उससे आपको अगर आपका जो क्वेश्चन में जो वर्ड दिया हुआ है वो अगर सपोज पॉजिटिव टोन का है और नीचे के तीन वर्ड नेगेटिव टोन के हैं, तो फोर्थ वाला जो हुआ अगर सिनोनिम पूछा गया है तो आप वो टिक कर सकते हैं। सेकेंड इज द ग्रामर वन, ग्रामर में वो भी मैं बताऊंगा बहुत अच्छे से, नॉट लाइक दैट, यूजुअल रूल से कोई मतलब नहीं है, सब लॉजिक है यहाँ पे। फिर बात करते हैं थर्ड इज इंटरप्रिटेशन स्किल्स, और दैट वी कॉल दी कम्युनिकेशन स्किल्स, स्पीकिंग स्किल्स और इंटरपर्सनल स्किल्स, एवरीथिंग इज सेम, ओके। सो ये जो मेथड होता है बेसिकली इंटरपर्सनल स्किल्स का, तो इंटरपर्सनल स्किल्स इज बेसिकली दैट वी कॉल्ड योर स्पीकिंग स्किल्स। अब उसमें होता क्या है बेसिकली कि हम लोग चंक्स में चीजें याद करते हैं, चंक्स में इंफॉर्मेशन याद करते हैं, तो यहां पर भी मैं आपको इतने बढ़िया बढ़िया मेथड्स बताऊंगा कि आप कैसे अपनी इंटरपर्सनल स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, ओके। सो क्योंकि मैंने बता चुका हूं क्या ये सब्जेक्ट नहीं है, दिस इज नॉट अ सब्जेक्ट, दिस इज अ लैंग्वेज, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। सो आप जब धीरे धीरे चीजें को इम्प्रूव करने लगते हैं, वर्ड्स रिटेन होने लगते हैं, तो आपको जब वर्ड्स रिटेन होने लगते हैं तो आपके थॉट्स चेंज होने लगते हैं, और प्लस व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ बीइंग और लर्निंग इंग्लिश एज अ लैंग्वेज, वन थिंग इज बीइंग बाइलिंगुअल। अब बाइलिंगुअल क्या होता है थोड़ा सा इसको भी समझ लेते हैं। देखिए बाई मतलब टू, लिंगुअल मतलब लैंग्वेज, द पर्सन हु नोज टू लैंग्वेजेस इज कॉल्ड बाइलिंगुअल पर्सन। अब बाइलिंगुअल पर्सन के साथ भाई ठीक है, अगर बाइलिंगुअल हो गए तो होगा क्या, वैसे अगर आप बाइलिंगुअल होते हैं तो इसका मतलब है कि आप किसी भी प्रॉब्लम को या किसी भी सिचुएशन को दो अप्रोचेस से सॉल्व कर सकते हैं, फर्स्ट इज आप हिंदी की अप्रोच लेके चल रहे हैं, सेकेंड इज इंग्लिश की अप्रोच लेके चल रहे हैं, तो आपके दो पर्सपेक्टिव भी होते हैं किसी भी चीज को सोचने के या समझने के। सो बेसिकली इन दिस
channel in the Vocab Wizard, I'm going to tell you about these things, the vocab section, grammar section, your interpersonal skills and everything, every sort of things, whatever you want. So, आपको कुछ भी जानना है, कुछ भी पूछना है इस बारे में, हमारे चैनल के बारे में, या फिर किस मेथड से मैं आपको पढ़ाऊंगा, ओके, या फिर अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आता है, तो you can just directly ask me, you can just directly comment on the comment box, we can just contact any sort of the things that you want, okay? So this is, I think this is enough, the introduction, this is my first introduction actually, you know, you are very much familiar with the fact, and so bas yehi hai ki please like the video and share the video and subscribe my channel so that these things can encourage me, ye mujhe encourage kare ki main aur acche se kaam karu aur achhi achhi videos banau aap logo ke liye, aur bas yehi cheeze hain kyunki ye subject nahi hai aur mujhe bilkul bhi nahi acha lagta jab koi ise subject ki tarah treat karta hai. बिकॉज ये पूरे नॉर्थ इंडिया की प्रॉब्लम है कि इंग्लिश मतलब हवा बना के रखा हुआ है इंग्लिश, और स्टूडेंट्स भी इतना पैसा खर्च कर देते हैं इंस्टीट्यूट्स में, कोई फायदा नहीं. क्यों? रूल्स पढ़ ली है, सब चीज पढ़ ली, प्रॉब्लम क्या है? वो गैब ही नहीं आती, कॉन्फिडेंस ही नहीं बन रहा, बोलना ही नहीं आ रहा. हाँ, तो बेसिकली इतना सब पैसा खर्च करने के बाद स्कूल्स में, कोचिंग्स में और स्पीकिंग क्लासेस में, एट द लास्ट रिजल्ट क्या रहता है? जीरो. जॉब तो मिल जाती है बट बोलने की हिम्मत नहीं होती कभी किसी से, ठीक है, कि अगर कोई अगर इंग्लिश में बात कर रहा तो हम नहीं कर पाते हैं. ओके, सो इन सारी चीजों को दूर करेंगे हम यहाँ पे, और आपको मैं जो भी प्रॉब्लम है आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट की जाएगी, और स्पीकिंग से रिलेटेड हो, वो कैप से रिलेटेड हो, ग्रामर से रिलेटेड हो, या इंटरपर्सनल स्किल्स रिलेटेड हो, कुछ भी हो, वी विल सॉल्व दिस थिंग. सो वंस मोर प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माई वीडियो एंड support me for this good work. This is all for you. Thank you guys. Thanks for watching. This is Jayvardhan Tiwari.